जहां पहले दिन की दोस्ती जैसे ही एंटर हुए बॉस ग्रुप बन गया, जहां पहले दिन की दोस्ती अंत तक चलती है, जहां सिर्फ एक की नहीं पर सबकी बनती है, हर एक की बंदी सेट हो जाती है, लेकिन फिर साथ में ही सबका कट भी जाता है। कि जब पहले दिन की दोस्ती अंत तक चलती है, जहां सिर्फ एक की नहीं पर सबकी बनती है, जहां पर सब मिल जाए तो जश्न सा बन जाता है, हाँ वो कॉलेज के दिन और यारों का सेशन किया, जहां लेक्चर अटेंड करने से ज्यादा बंक किए जाते हैं, सबके सब क्लास से पहले बाहर मिला करते हैं, जहां पर पूरे ग्रुप के कपड़े ही कैंपस का फैशन बन जाता है, हाँ वो कॉलेज के दिन और यारों का टशन किया जाता है, जहां प्रोफेसर के असाइनमेंट को एक जुर्म माना जाता है और वो भी सिर्फ कोई एक पूरा कर पाता है, बाकी के तो जेरॉक्स ले लो या अपना रोल नंबर का सेटिंग कर दो। वही चीज होती है कि जहां प्रोफेसर का असाइनमेंट एक जुर्म माना जाता है और वो भी कोई सिर्फ एक पूरा कर पाता है, और जिसने ना लिखा हो उसका भी चेक हो जाता है, हाँ वो कॉलेज के दिन और यारों का टशन कहलाता है। जहां कैंटीन एक अड्डा कहा जाता है, कहते ना कहां मिलना है, अपने अड्डे पे आ जाना, जहां स्नैक्स की दुकान या कैंटीन एक अड्डा कहा जाता है, चाय की चुस्कियों के साथ महफिल सा बन जाता है, और अंत में किसी एक को डस्टबिन बनना पड़ता है, जितने भी रैपर्स है उसके बैग में डाल दो। कि जहां स्नैक्स की दुकान या कैंटीन एक अड्डा कहा जाता है, चाय की चुस्कियों के साथ महफिल सा बन जाता है, लेकिन अंत में किसी एक को डस्टबिन पर तक पहुंचना होता है, हाँ वो कॉलेज के दिन और यारों का टशन कहलाता है। जहां अक्सर जीएफ को बीएफ के नाम से चिढ़ाया जाता है, देख तेरा वाला आया या तेरी वाली है, भाई भाई तेरी बंदी है। कि जहां अक्सर जीएफ को बीएफ के नाम से चिढ़ाया जाता है, उसके चिढ़ते ही हर माहौल बन जाता है, जहां प्यार का हर नया पन्ना लिखा जाता है, हाँ वो कॉलेज के दिन और यारों का टशन कहलाता है। ये थोड़ी इमोशनल करने की बात है, जिसका कॉलेज पूरा हो चुका होगा उनको याद आएगी, और जिनका अभी मेरी तरह फाइनल चल रहा है उनके लिए थोड़ी इमोशनल भरी बात होगी। कि जहां लास्ट दिन पर क्लास की हर बेंच भर जाती है, जब आखिरी दिन होगा, शायद वो पूरे सेमेस्टर्स में नहीं आया होगा लेकिन उस दिन वो भी आएगा। कि जहां लास्ट दिन क्लास की हर बेंच भर जाती है, प्रोफेसर की आंखों में भी नमी छा जाती है, जब ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा भी रो जाता है, हाँ वही कॉलेज के दिन और यारों का टशन कहता है। अंत में कहता हूं कि अक्सर सपनों को साकार करने में हम हकीकत भूल जाएंगे, शायद कॉलेज के बाद वो जो 10 लोगों का ग्रुप था वो 2 में रह जाएगा, 3 में रह जाएगा। अक्सर सपनों को साकार करने में हम हकीकत भूल जाएंगे, उन्हीं सपनों को जीने में हम लाखों बार टूट जाएंगे, लेकिन जब टूट कर भी एक कोने में मुस्कुराएंगे, तब हमें वो कॉलेज के दिन और यारों के टशन याद आएंगे।